हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक विद तनवीर में। ऐसा महत्वपूर्ण काम करते रहते हैं स्मार्ट दोस्तों, हम लोग अपने स्मार्टफोन पे बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते रहते हैं और हम लोग को एक समस्या झेलनी पड़ती है। कितना भी अच्छा मोबाइल ले, नया मोबाइल ले, लेकिन बैटरी की समस्या से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आपको कम से कम 5 ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग अपने बैटरी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि बैकग्राउंड ऐप को बंद करें। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम लोग ऐसे मान लीजिए कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन और ढेर सारे ऐप्स को खोल के चलाते रहते हैं अपने फोन पर, लेकिन हम लास्ट में पता लगा केवल व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, केवल फेसबुक पे काम कर रहे हैं, तो हमारे बैकग्राउंड में ढेर सारे ऐप चलते रहते हैं। उन ऐप्स को बंद कर दें जिससे आप लोग जिस भी ऐप पे वर्तमान में काम कर रहे हैं केवल उसी को यूज करें। और इससे क्या होगा, हमारी बैटरी, इसके अलावा एक ऑप्शन और मिलेगा कि आप अपने बैटरी में, बैटरी के सेटिंग में जाकर के आप अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइज करें। जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है उन ऐप्स की सेटिंग के अंदर जाकर के उनकी बैटरी को बैटरी सेविंग को बचाया जा सकता है। दोस्तों, जीपीएस और लोकेशन सर्विस को बंद करें। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम लोग जाते हैं तो जीपीएस और जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो नेविगेशन के लिए जीपीएस या लोकेशन सर्विस का यूज करते हैं। बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा जीपीएस और लोकेशन ऑन रहता है। तो दोस्तों, जीपीएस और लोकेशन को बंद करें और बैटरी को बचाएं। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। दोस्तों, बैकग्राउंड एक्टिविटी को आप अपने बंद कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनका हम लोग हमेशा अपने स्मार्टफोन के अंदर यूज नहीं करते, जैसे मान लीजिए एक अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और कुछ ऐसे ऐप्स हैं जैसे शॉपिंग के हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ऐप को या तो आप जा करके फोर्सली स्टॉप कर दें या आप इसको अनइंस्टॉल कर दें। वैसे भी आज के समय में कौन बहुत ज्यादा डेटा लग रहा है, आप तुरंत आप वाईफाई से या अपने डाटा से ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ब्राइटनेस और स्लीप टाइम को आप आसानी से रिड्यूस करके आपको जितने समय के लिए चाहिए, कभी कभी लोग होता है कि अपने स्लीप टाइम को 1 मिनट या 2 मिनट या 30 सेकंड के लगाते हैं, आप उससे कम भी लगा सकते हैं जिससे आप अपनी बैटरी को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि आप अपने मोबाइल के वाईफाई और ब्लूटूथ को बंद रखें। दोस्तों, होता क्या है कि ब्लूटूथ की जरूरत नहीं होती है, फिर भी अपने वाईफाई और ब्लूटूथ को पूरा छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक स्पेशल अगर साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि आपका ब्लूटूथ और वाईफाई अगर आने तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप अपने ब्लूटूथ और वाईफाई को बंद रखें, जब जरूरत हो तभी उसको चालू रखें और जब जरूरत ना हो तो उसको बंद रखें। दोस्तों, इसके अलावा सबसे लास्ट पॉइंट यह है कि आप अपने साथ एक पावर बैंक जरूर रखें, क्योंकि होता क्या है कि कभी भी इमरजेंसी हम कितना भी बचाएं लेकिन अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो चार्ज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन से ट्रिक को यूज करते हैं और हमें बताएं कौन सा ट्रिक आपको बेस्ट लगा या इनमें से कौन सा ट्रिक आप जानते थे। दोस्तों, तब तक के लिए